नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में इनकम टैक्स को पढ़ रहे हैं, जो भी हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है आपके सिलेबस से। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है भविष्य निधि किसे कहते हैं, यानी प्रोविडेंट फंड क्या होता है। हम लोग अपने वीडियोज की श्रृंखला में इनकम फ्रॉम सैलरी को पढ़ रहे हैं और यह जो भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड है उसी का पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भविष्य निधि यानी जो भी प्रोविडेंट फंड होता है उसका अर्थ क्या होता है और भविष्य निधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। भविष्य निधि का साधारण अर्थ भविष्य के लिए धन को जमा करने या बचा कर रखने से है। यानी अगर धन को बचा करके भविष्य के लिए रखा जा रहा है या फिर जमा किया जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं भविष्य निधि। कर्मचारी के भविष्य के जीवनोपार्जन हेतु नियोक्ता के द्वारा विभिन्न भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत खोला गया एक खाता या फंड, जिसके अंतर्गत नौकरी करने वाले कर्मचारियों के वेतन से एक निश्चित धनराशि काटकर इस फंड में जमा कर दी जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं भविष्य निधि खाता या फिर भविष्य निधि कहते हैं। कर्मचारी का नियोक्ता भी इसी फंड में एक निश्चित अनुपात में दान करता है। यानी जो भी खाता खोला जाएगा, जिस खाते में जो भी एम्प्लॉई है यानी जो भी कर्मचारी है उसके पैसे का एक हिस्सा काट करके डाला जाएगा, उसी खाते में जो भी एम्प्लॉयर है यानी जो भी मालिक यानी नियोक्ता है उसके ओर से भी क्या किया जाएगा, कुछ पैसा कुछ प्रतिशत में जमा किया जाता है। दोनों राशियों पर एक निश्चित दर से ब्याज भी कर्मचारी को मिलता है और जो दोनों राशियां जमा हो रही हैं एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉय की, उस खाते में यानी प्रोविडेंट फंड अकाउंट में दोनों पर जो ब्याज होगा वह दोनों का दोनों ब्याज जो भी एम्प्लॉय है उसको मिलता है यानी कर्मचारी को मिलता है। जब कभी कर्मचारी सेवा से अवकाश ग्रहण करता है तो उसे यह संपूर्ण राशि ब्याज सहित वापस कर दी जाती है। और जब कभी भी कोई भी एम्प्लॉय क्या करेगा, सेवा से अवकाश ले लेगा यानी उसका रिटायरमेंट आ जाएगा, तो जो भी पैसा उसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में है वह सारा का सारा इंटरेस्ट के साथ उसको वापस कर दिया जाता है, ब्याज के साथ उसको वापस कर दिया जाता है। यदि दुर्भाग्यवश कर्मचारी की मृत्यु उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व ही हो जाती है तो इस फंड की संपूर्ण राशि यानी ब्याज सहित कर्मचारी के उत्तराधिकारी को दे दी जाती है। यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि अगर कोई भी कर्मचारी है अभी काम कर रहा है, उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण की वजह से, तो उसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जितने भी पैसे हैं भविष्य निधि खाते में, वे सारे के सारे पैसे ब्याज सहित निकाल करके भी उसका उत्तराधिकारी है यानी अगर कोई भी लेडी है तो उनके पति को, उनके बच्चों को, या फिर कोई भी जेंट्स हैं तो उनकी जो पत्नी है उनको या फिर उनके बच्चों को, जो भी उनके जायदाद के उत्तराधिकारी होंगे या फिर जिन्होंने उनका या फिर उन्होंने जिनका नाम नॉमिनी में लिखा होगा उनको दे दिया जाता है। इस प्रकार भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड कर्मचारी को उसकी वृद्धावस्था के समय तथा उनके परिवार के सदस्यों को एक अच्छी धनराशि उपलब्ध करके उनके लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होता है। यहाँ पे आपको समझना है कि इस कंडीशन के बेस पर जो हमने पढ़ा, जितना अभी हमने समझा उसके बेस पर आपको ये समझना है कि जो भविष्य निधि है वह किसी भी कर्मचारी को आगे आने वाले जो भी दिक्कतें हो सकती हैं उन दिक्कतों से उबारने और भविष्य में एक मुश्त पैसे के रूप में पाने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। कि कोई भी व्यक्ति एक निश्चित समय के बाद से जब वो रिटायर होगा तो उसके पास कुछ पैसे होंगे जिसकी वजह से वह अपने जीवन को अच्छी तरीके से चला पाएगा वृद्धावस्था में। हम बात करते हैं भविष्य निधि के प्रकारों के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं और जान लेते हैं अच्छी तरीकों से। मूलतः भविष्य निधि चार प्रकार के होते हैं, यानी प्रोविडेंट फंड अकाउंट चार प्रकार के होते हैं, जिनमें से तीन प्रकार के फंड विभिन्न प्रकार की नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए हैं तथा एक फंड
अपना व्यवसाय करने वाले तथा अन्य प्रकार के व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक रूप से हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि चार प्रकार के प्रोविडेंट फंड होते हैं या फिर चार प्रकार के प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोले जाते हैं, जिसमें से जो तीन प्रकार के प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स हैं वे सारे के सारे तीन प्रकार के प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो भी इम्प्लॉयज होते हैं उन्हीं के लिए विशेष रूप से होते हैं। इसके अतिरिक्त एक और खाता है प्रोविडेंट फंड का, वह कर्मचारियों के साथ साथ अदर कोई भी पर्सन है जो अपना व्यवसाय कर रहा है, जिसकी कंपनी है, उसके लिए भी एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट का यहाँ पर प्रोविजन है, उसको रखा जाता है। इस फंड का खाता किसी भी कर्मचारी द्वारा या जनता से किसी भी व्यक्ति के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक अथवा उसकी सहायक बैंकों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा प्रधान डाकघरों में खोला जा सकता है। आपको यहाँ समझना है कि जो भी चौथी कैटेगरी का यहाँ पर प्रोविडेंट फंड अकाउंट है उसका नाम मैं बता देता हूँ, जो भी सार्वजनिक भविष्य निधि खाता है या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है जिसको हम लोग PPF भी कहते हैं, उसका जो खाता है जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसमें खोला जा सकता है, फिर जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो भी सहायक बैंक हैं उनमें खोला जा सकता है, या फिर जो भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सारे के सारे बैंक क्या हैं, ये सारे के सारे बैंक नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जो भी RBI के द्वारा नेशनलाइज्ड होते हैं, जो भी RBI एक्ट है उसमें और जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो इन सारे के सारे बैंकों में और इसके साथ साथ जो भी डाकघर है उस एरिया के प्रधान डाकघर खाते में इसका खाता खोला जा सकता है, यानी प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोला जा सकता है। अतः भविष्य निधि फंड निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है वैधानिक प्रोविडेंट फंड, यानी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। इस तरह के प्रोविडेंट फंड वे प्रोविडेंट फंड हैं जो प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1925 के अंतर्गत आते हैं। यहां पे समझना है कि वैधानिक प्रोविडेंट फंड जो भी प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 है उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, रन होते हैं। उसमें क्या होता है कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के जो भी प्रोविजंस हैं वहां पे लगते हैं। साधारणतया ये सरकारी संस्थाओं, अर्ध सरकारी संस्थाओं, स्थानीय सत्ता, विश्वविद्यालयों आदि के लिए होते हैं। तो आपको ये समझना है कि इन जो भी संस्थाएं हैं इस तरह की, उनके लिए जो ये वैधानिक प्रोविडेंट फंड हैं होते हैं। दूसरा है प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आयकर अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के अंतर्गत आयकर कमिश्नर द्वारा प्रमाणित प्रोविडेंट फंड इस श्रेणी में आते हैं। तीसरा है अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड, यानी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। वे प्रोविडेंट फंड जो वैधानिक प्रोविडेंट फंड अथवा अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड की श्रेणी में नहीं आते हैं उनको अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड कहा जाता है, यानी अप्रमाणित भविष्य निधि खाता कहा जाता है। साधारणतया ये फंड छोटे स्तर पर व्यापार करने वाली निजी संस्थाओं के लिए होते हैं। चौथा है सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको PPF भी कहा जाता है। सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड वे फंड हैं जो सार्वजनिक रूप से सभी के लिए होते हैं। मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हमने जाना कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है और प्रोविडेंट फंड के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अभी हमने जो भी प्रोविडेंट फंड के प्रकारों के बारे में जाना है, इन सारे के सारे प्रकारों को, सारे के सारे टाइप्स को, चाहे वह स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो या फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, इनको हम लोग अलग अलग वीडियोज में अच्छी तरीके से समझ लेंगे, जान लेंगे। आपके पास यदि कोई भी प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताइए, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे, अच्छे से देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।